काजू जी, 19 घंटे बचे हैं महज, क्या होने वाला है, आपका नजरिया क्या कहता है? हालांकि देखिए, इमरान जा रहे हैं ये तो सब जगह समझ आ ही रहा है, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कह रहा है अगले 19 घंटे पाकिस्तान के लिए कैसे? नहीं, मेरा मानना है कि इमरान खान का जाना अब तय है, क्योंकि उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी, उनके जो साथी हैं वो भी, और सबसे ज्यादा उन पाकिस्तान की फौज को अब वो काबिले बर्दाश्त नहीं है अब तो, इसलिए वो तो जाएंगे। हाँ, जो दिलचस्प बात है वो ये कि जाते जाते वो चीख और पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि आलमी साजिश हो रही है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात जो हो रही है वो, और उस पे शायद बद्र साहब कुछ कहना चाहें, वो ये कि वो भारत की आजाद खारजिया नीति, हमारी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी की तारीफ हर जगह कर रहे हैं। पहले एक रैली में की, फिर उन्होंने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग जहां फॉरेनर्स मौजूद थे, 17 मुल्कों के नुमाइंदे वहां पे थे, वहां पे की देख, उन्होंने कहा कि भारत को देखिए, वो ऐसी आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाता है कि उसकी दुनिया भर में इज्जत है, भारत के पासपोर्ट की इज्जत है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की बेइज्जती होती है। फिर ARY जो पाकिस्तान का एक मशहूर चैनल है, उसमें इंटरव्यू में भी यही की। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि अभी तक तो वो आग उगलते थे भारत के खिलाफ, आज भारत कैसे उनको याद आ रहा है? और जो वो भारत की तारीफ कर रहे हैं वो उनके समर्थकों, उनके फॉलोअर्स पर कैसे बीतेगी, और पाकिस्तान की फौज इसको कैसे ले रही है? बद्र साहब इसका शायद, अगर आप इजाजत दें तो बद्र साहब इसका कुछ जवाब दें। बिल्कुल जावेद बदर जी, आपको पूरा सुन भी रहे हैं। जावेद बदर जी, आप इसका जवाब दीजिएगा जो कह रहे हैं विवेक काटजू। जी, बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान की अब तो इनको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि याद आ रहा है अब इनको, इससे पहले इनकी पल सीखते कि मैंने कल भी ये बात की थी कि हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हमारी तरक्की का, देखें दोनों मुल्कों की तरक्की का राज ही ये दोस्ती है। ये दोस्ती होगी तो हमारे हालात बेहतर होंगे। जितने हम देखें, 70 बिलियन आप लोग खर्च करते हैं, 12 बिलियन हम लोग खर्च करते हैं, खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे बच्चों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, जो हालात है आपको भी पता है कि आपके क्या हालात है, हमको भी पता है हमारे यहाँ क्या हालात है। मैं तो इस चीज का कायल हूँ पहले दिन से कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए और पाकिस्तान को हिंदुस्तान से दोस्ती करनी चाहिए। दोनों मुल्कों की तरक्की का राज इसमें है। बाकी देखें, सियासी तौर के ऊपर इस पे गेम खेलना और इसको रिलीजन मजहबी कार्ड खेलना या इस पे हिंदुइज्म या इस्लामिज्म पे कार्ड पे सियासत करनी, वो बिल्कुल गलत होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। बाकी रही बात इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब को तो देखें जी, कोई अब उनको पूरे दुनिया में कोई भी उनको सारे उनका मजाक उड़ाने लग गए। अब ये हालत हो चुकी है, उनको सीरियस कोई नहीं लेता उन किसी बात को। आज वो बात करेंगे कुछ, कल वो कुछ बात करेंगे। आज उनको हिंदुस्तान याद आ गया, अब वो अमेरिका के खिलाफ हो गए, पहले ये अमेरिका ही गोदे बैठे हुए थे। तो इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं पहले दिन से, इन्होंने ना कभी पॉलिसी को भी बनाई और ना ही आगे होगा। आपको बल्कि चला बेहतर हो गया कि जा रहे हैं, तो आने वाली हुकूमत जो है उसको मेरा ये है पैगाम। देखिए, पीटीआई के नेता हैं आप जावेद बदर जी, और आप खुद यहां पर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप खुद कह रहे हैं कि देखिए ये तय हो गया है कि अब जा रहे हैं इमरान खान। ABP News आपको रखे आगे।